हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल रेसिपी बुक में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ तिल और मावा से बनने वाली एक बहुत ही स्वादिष्ट गजक। इस गजक को बनाने में हमें समय भी बहुत कम लगता है और साथ ही ये खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है, तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें। तो शुरू करने से बनाना। घर पर तिल मावा की गजक तैयार करने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 150 ग्राम जितने तिल। अगर आप इन्हें कप से मेज़र करेंगे तो ये एक कप जितने तिल हैं। इन तिलों को मैंने पहले से ही हल्का सा छान कर रखा हुआ है, तो आप हमेशा तिलों को पहले छान लें, उसके बाद ही इसकी गजक बनाकर तैयार करें। इसी के साथ मैंने लिए हैं यहाँ पर 250 ग्राम जितना मावा। मैंने इस तरीके का सॉफ्ट एकदम कच्चा मावा यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह थोड़ा बुना हुआ मावा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी को एक मिक्सी जार की हेल्प से पीसकर उसका पाउडर बना लिया है, और लिया है 1.5 टीस्पून जितना शुद्ध देसी घी, थोड़े से कटे हुए बादाम जिन्हें मैंने इस तरीके से 2 पीसेस में कट करके रखा हुआ है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तिलों को भूनेंगे। तिलों को भूनने के लिए इन्हें एक कढ़ाई में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम गैस के फ्लेम पर तिलों को लगातार चलाते हुए हल्का कलर चेंज होने तक भुनने देंगे। तिल जो है वो काफ़ी जल्दी भुनकर तैयार हो जाते हैं, तो इसी तरीके से आप इन्हें लगातार चलाते हुए भुनें। जब तिल का कलर इस तरीके का हल्का चेंज हो जाए तभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को हल्का ठंडा होने तक इस तरीके से चलाते रहेंगे। याद रखें, आपको तिल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा भूनने से इसका टेस्ट जो है वो हल्का कड़वा हो जाता है। सभी तिलों को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इन तिलों को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम इसी सेम कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना घी। बाकी बचे हुए घी को हम बाद में यूज़ करेंगे। घी को हल्का गर्म होने दें और अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा। मावा को इस तरीके से हाथों से क्रम्बल करके डाल देंगे। अभी हम एक स्पैचुला की हेल्प से इसे लगातार चलाते हुए मावा को हल्का सॉफ्ट होने देंगे। और अभी मैंने गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम रखा है। इसे इस तरीके से लगातार चलाते रहें। कुछ टाइम बाद जब मावा इस तरीके का सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। तो पूरी पिसी हुई चीनी को इसमें डाल देंगे इस तरीके से और इसे लगातार चलाते हुए इस चीनी को इसमें अच्छे से मेल्ट होने देंगे। शुगर को इसमें अच्छे से डिसॉल्व होने देंगे। अगर शुगर अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगी तो गजक को खाते समय इसके छोटे छोटे दाने मुँह में आएंगे, जिसकी वजह से इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो जब शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए तब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकने देंगे, जब तक कि मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए तिल। तिलों को भी मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। लो गैस की फ्लेम पर इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने दें और इसे लगातार चलाते रहें इस तरीके से। जैसे जैसे आप इसे चलाते जाएंगे मिक्सचर जो है वो हल्का हल्का थिक होने लगेगा। अभी हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से थिक हो चुका है और चलाने पर कढ़ाई को एकदम अलग छोड़ रहा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को हल्का ठंडा होने तक इसे इस तरीके से चलाते रहें। हल्का ठंडा होने दें इस तरीके से। याद रखें, इसे एकदम गर्म गर्म नहीं जमाना है। तो यहाँ हमारा मिक्सचर हल्का ठंडा हो रहा है, तब तक हम एक फॉइल पेपर पर थोड़ा सा घी को लगा लेंगे इस तरीके से। तो हमने पहले जिस घी को बचा कर रखा हुआ था उसे इस फॉइल पेपर पर अच्छे से लगा लें। आप चाहें तो फॉइल पेपर की जगह बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं।
और हल्का सा बेलन पर भी इस तरीके से घी लगा लें। अभी मिक्सचर भी अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इसे इस फॉइल पेपर पर डालकर इस तरीके से फैला देंगे। अब हम एक बेलन की हेल्प से इसे हल्का पतला बेल लेंगे। जितनी भी पतली आपको गजक बनानी है आप उसे इतना पतला बेल सकते हैं। और एक नाइफ की हेल्प से गरम गरम मिक्सर में ही इस तरीके से कट लगा देंगे। और हमने जो बादाम को कट करके रखा हुआ था उसे भी इस तरीके से लगा दें। तो गजक एकदम रेडी है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद हमारी जो गजक है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अभी हम इसे फॉइल पेपर से अलग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी गजक बनकर तैयार हुई है। तो इस तरीके से हम पूरी गजक को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, इस गजक को बनाना कितना आसान। इसी तरीके से तिल से बनी हुई और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर शेयर की हैं, जिनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप चाहें तो वहाँ से उन सभी रेसिपीज़ को देख सकते हैं। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।